हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू गुड। तो आज की क्लास में क्या करेंगे बेटा? हम आज हम रिवाइज करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट चैप्टर फ्रॉम इंडियन इको। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो दोनों ही चैप्टर को हम एक बार रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। और दोनों ही चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको एक बार फिर से रिमेम्बर करेंगे, और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद हम उसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बन सकते। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं उन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर होगा, कैसे आपको लिखना है एग्जाम रीजनिंग के साथ। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके बाद एनवायरमेंट को। बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारा आपको फिर से याद आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ बेटा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या था? बहुत ही सिंपल मतलब था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम। हम बोलते हैं सपोर्ट एलिमेंट्स जो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से यहां डिफाइन किया मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द सच एक्टिविटीज, सर्विस या फैसिलिटीज व्हिच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस इन एन इकोनॉमी। या हम बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दो बातें याद रख लो, सबसे पहली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन ये आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सा इंफ्रा मदद करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है जो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को और बढ़ा देंगे, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ है जो आपकी सोशल डेवलपमेंट को बढ़ा देंगे। तो दोनों ही इंफ्रा क्या काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आपकी कंट्री के इकोनॉमिक या फिर सोशल डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रा जो है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी करेंगे। पहले देख लो फिर से एक बार इकोनॉमिक इंफ्रा क्या होता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम which serve as a driving force for production activity. यार इमेजिन करो, प्रोडक्शन करना है आपको, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? एनर्जी भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन सोर्स भी चाहिए। एनर्जी यानी कि पावर, ये नहीं है कैसे इंडस्ट्रीज चलेंगी। कम्युनिकेशन के सोर्स नहीं है कैसे इंडस्ट्रीज चलेंगी। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट का आउटपुट का कैसे होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिव एक्टिविटी को बहुत बूस्ट अप करता है। तो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये तीनों एलिमेंट होते हैं इकोनॉमिक इंफ्रा के। उसके बाद दूसरी चीज आती है सोशल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल एलिमेंट्स आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन के डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग। ये तीनों एलिमेंट है इसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब तीनों ही एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर, पर चैलेंजेस सब में है। तो चैलेंजेस क्या है हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी हम बोलेंगे यस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि यार बिना एजुकेशन के या बिना अच्छी हेल्थ के क्या करूंगा मैं एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का। इकोनॉमी को क्या फायदा अगर लोगों की हेल्थ और एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए बोलते हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये लाइन कहाँ लिखी है आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज यार, ओनली वेन द एलिमेंट ऑफ सोशल इंफ्रा ज्वाइन द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रा that the process of growth and development would become a dynamic process. There would be an all-round prosperity of human life. So, सबसे पहले हम बोलते हैं education, health होगी तो ही social, sorry, तो ही economic infra का फायदा, वरना कोई फायदा नहीं। तो both are complementary. अगर आपसे पूछते हैं कि infrastructure जो है, basically facilities जो है, जो support system है, energy, transport, communication है, health, education, housing है, इसका क्या कोई रोल है डेवलपमेंट में? सर आप इमेजिन कर लो कि बिना एनर्जी, बिना ट्रांसपोर्ट, बिना कम्युनिकेशन, बिना हेल्थ, बिना एजुकेशन के क्या डेवलपमेंट हो जाएगी? डेवलपमेंट का मतलब यही है इन सब चीजों का बढ़ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की डेवलपमेंट मदद करता है, यस करता है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हमारी इकोनॉमी फंक्शनिंग नहीं करेगी। ना एग्रीकल्चर होगा, ना इंडस्ट्री चलेंगी, ना सर्विस सेक्टर चलेगा। तो इकोनॉमी फंक्शनिंग क्यों कर रही है? क्योंकि इंफ्रा है। अलग बात है एडिक्वेट नहीं है, जितना होना चाहिए उतना डेवलप नहीं है, पर इंफ्रा है, इंफ्रा है
तो हमारी कंट्री फंक्शनिंग कर रही है वरना नहीं करेगी. सो दैट सिंपल रिविजन में आपको बता रहा हूँ अच्छे से मैं, आप याद रखो. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एग्रीकल्चर में आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है सर? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में से बताओ. मैं बोलता हूँ सर एग्रीकल्चर में मेरे को ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा चाहिए, इनपुट्स लानी है, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो इंफ्रा का रोल एग्रीकल्चर में भी है. इंफ्रा नहीं होगा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स मान लो नहीं है तो एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाएगा. इंपॉर्टेंस तो है, डेवलपमेंट तो कर रहा है एग्रीकल्चर की. कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर. कौन सा? इकोनॉमिक. एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं है एजुकेशन की, है ना, थोड़ी बहुत अवेयरनेस चाहिए, फार्मर को मिल जाती है ट्रेनिंग प्रोग्राम से. एजुकेशन की जरूरत नहीं है. हम बोलते हैं हेल्थ तो हर जगह चाहिए, तो कहीं ना कहीं सोशल भी मदद कर रहा है एग्रीकल्चर में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर इंफ्रा नहीं है तो. भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है कि आपकी कंट्री में प्रोडक्टिव एक्टिविटी जितनी भी हो रही है विद हेल्प ऑफ इंफ्रा हो रही है. इंफ्रा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किससे होती है? इंफ्रा से होती है. नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर क्यों है, कैसे है? आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा घर है रहने को, सराउंडिंग्स अच्छी हैं, आपके पास हेल्दी डाइट भी है, न्यूट्रिशनल डाइट भी आप ले पाते हो, आपके घर में 24 घंटे बिजली रहती है, एनर्जी यानी पावर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, कम्युनिकेशन सोर्स अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी हैं आपकी कंट्री में, आपके एरिया के आसपास, तो हम बोलेंगे आपकी लाइफ क्वालिटी बेटर है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा तो आपकी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ बढ़ती रहेंगी. मैं बोल रहा हूं हर एरिया में, एक मान लो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया कि हर कंट्री में, सॉरी हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर मान लो कि अब अंडर पासेस बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, भाई हर जगह कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो हर जगह लेबर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी प्रोजेक्ट को आप उठा लो, आपकी कंट्री की डेवलपमेंट भी हो जाएगी, जो नहीं है वो करो, डेवलपमेंट भी हो जाएगी और लोगों को जॉब भी मिल जाएगी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब भी जनरेट कर सकता है. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आउटसोर्सिंग बढ़ सकती है. आपकी कंट्री तो लाइव एग्जांपल है, इंडिया तो लाइव एग्जांपल है आउटसोर्सिंग का. इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन सोर्स अच्छे हैं, इसलिए बाहर की कंट्री जो है उनकी कंपनीज जो है आपके कंट्री को आउटसोर्सिंग वाला काम देते कि नहीं देते हैं? तो इंडिया तो हब है इस चीज का, तो बीपीओ कॉल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी कंट्री को वर्क मिलता है. कौन से वाला? आउटसोर्सिंग. बहुत सिंपल टॉपिक था. अब इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, क्या स्टेट है इंडिया के अंदर, वो बताओ. इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक का रोल भी है, प्राइवेट का भी है. मैं बोलूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं हेल्थ की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो प्राइवेट का डोमिनेंट रोल है. बोलो हाँ या ना? यस सर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 6 एलिमेंट की बात करते हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग. आपकी बुक में, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को एक्सप्लेन किया है. तो मैं हेल्थ की बात करूंगा. तो हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हेल्थ मीन्स साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल. एक इंसान फिजिकली फिट है, मेंटली फिट नहीं है तो हम हेल्दी नहीं हो, दोनों होने चाहिए. गुड हेल्थ इंप्लाइज इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी. जो बंदा जितना हेल्दी होगा उतना डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म कर पाएगा, उतना एफिशिएंटली काम कर पाएगा. तो हेल्थ का होना बहुत जरूरी है. तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है हेल्थ के मामले में? इंप्रूवमेंट हुई है बॉस. इंप्रूवमेंट क्या हुई है उसको देखो. आपकी कंट्री में डेथ रेट कम हुआ है. बट डेथ रेट कम होना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का साइन है? यस. डेथ रेट कम कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई, हॉस्पिटल्स खुले, डॉक्टर्स आए बहुत सारे, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हेल्थ इंप्रूव हुआ है स्टेटस डेथ रेट कम होने की वजह से. कितना था? 27, 1000 में से 27 लोगों की डेथ होती थी, अब 7.2 हो गया. तो कम हुआ, अच्छी बात है ना, डेवलप हुआ इंफ्रा आपका. उसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक साल से पहले बर्थ होने के बाद एक साल से पहले बच्चे की डेथ हो जाने बहुत ज्यादा होता था, तो इस पे कंट्रोल हुआ है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई है, नर्सिंग होम खुल गए, न्यूट्रिशनल डाइट मिल पाई, हम बोलेंगे डॉक्टर्स नर्सेस सब डेवलप हुए, इस वजह से एमआर कम हो गया. ये भी पर 1000 में होता है, 146 हुआ करता था जो अब 30 पर 1000 2018 का आपको दिया हुआ है. एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ी है, एवरेज एज 32 साल हुआ करती थी, अब 69.4 यहां बोल रहे हैं, 70 साल लगभग हो गई. ये भी हेल्थ इंप्रूवमेंट का साइन है. डेडली डिसीज टीबी, मलेरिया, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, इस पे कंट्रोल हुआ है.
इस पे कंट्रोल होना एक बहुत बड़ा साइन है डेवलपमेंट का हेल्थ के मामले में, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। 5 साल से पहले बच्चे की डेथ होती थी वो भी कंट्रोल हो गई है, 248 था वो 37 पर 1000 हो। तो हेल्थ इंप्रूवमेंट तो हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, न्यूट्रिशनल डाइट भी बढ़ी है, ये भी हम बोल सकते हैं हेल्थ के इंडिकेटर। तो अगर हम बात करें इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, तो हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में आता है PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, जहां पे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, इम्यून सिस्टम अवेयरनेस दी जाती है, छोटे मोटे डिजीज का इलाज होता है, जो खांसी खांसी बुखार का इलाज होता है। यहाँ इक्विपमेंट्स जो हम बोले तो कम होते हैं, क्योंकि सिंपल सा छोटा सा एक सेंटर है जहाँ एक डॉक्टर एक नर्स होती है साथ में, ये होता है हमारा PHC। एजुकेशन दी जाती है लोगों को हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस दी जाती है भाई ऐसे ऐसे हो। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो आपको सेकेंडरी में भेजते हैं, जो बड़े बड़े टाउन में मिलेंगे आपको, प्राइमरी मिलेंगे विलेज में गाँव में, छोटे टाउन में ये मिलेंगे सेकेंडरी वाले। ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर था अपग्रेडेशन, अपग्रेड वर्जन ऑफ PHC, जहाँ पे एक्सरे ECG वाली मशीन होती है और आपका ट्रीटमेंट वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी डिसीज है, कोई मल्टी स्पेशलिटी वाली बात आपको चाहिए, कुछ बड़ा बड़ी सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन होना है, तो आपको फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल चाहिए, तो थर्ड टायर की बात हो रही है। वो किसमें आएगा, थर्ड टायर में, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जहाँ फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल होते हैं विद बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब की बात हो रही है। तो वहां पे हर मशीन होगी। एग्जाम्पल दे रहा आपको एम्स, PGI चंडीगढ़, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरह से डिवाइड किया गया है आपकी बुक्स में। उसके बाद बेटा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है हेल्थ में, तो मैं बोलूंगा कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज हो गया हेल्थ में, डोमिनेंट पोजीशन पे है प्राइवेट सेक्टर। उसकी वजह से चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। बेचारे जो आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो इलाज नहीं करवा पाते प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल खुलने चाहिए जो बहुत कम है। तो गवर्नमेंट के रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्या हेल्थ सिस्टम में आज गवर्नमेंट का जो रोल है वो बढ़ना चाहिए? यस और नो बोलेंगे, हाँ बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट की वजह से जो दिक्कत हो रही है आप बता दें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट्स में NCERT क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो प्राइवेट सेक्टर का आज हम देखें तो मोर देन 80% रोल है। अब अच्छी बात भी है, हेल्थ डेवलप हुई है इसकी वजह से, लेकिन एक चैलेंज भी है। तो प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर हैज गेन डोमिनेंट पोजीशन, चाहे वो मेडिकल ट्रेनिंग की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स की बात हो, या हम बोलेंगे कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन की बात हो, सर्विसेज की बात हो, प्राइवेट का रोल डोमिनेंट हुआ है। प्राइवेट ने बहुत खर्चा किया है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम बोलते थे प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ 8% हिस्सा था, रोल था, आज वो 93% हो गया हॉस्पिटल्स की बात करें। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल डोमिनेंट हो गया, हम ये बोल सकते हैं। तो इंडिया में हम बोलते हैं कि हेल्थ के कोई चैलेंजिंग कोई चैलेंजेस हैं इमर्जिंग, हम बोलेंगे हाँ है सर। हमने मान लिया कि हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हुआ है ड्यू टू प्राइवेट, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। मान लिया डेथ रेट कम हुआ है, मान लिया बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है, मान लिया IMR कम हुआ है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बड़ी है, डिसीज पे कंट्रोल भी हुआ है, डेथ पे भी कंट्रोल हुआ है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं जिससे पता चलता है कि आज भी हेल्थ सेक्टर चैलेंजिंग है। कैसे? सबसे पहला, अगर हम देखें कि हॉस्पिटल्स के नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सर गांव ज्यादा है इंडिया में, रूरल का नंबर 70% के आसपास है, तो ज्यादा हॉस्पिटल वहां होने चाहिए, जबकि ज्यादा हॉस्पिटल अर्बन में है और कम है रूरल में। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं, ये चैलेंजेस चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों है यार, वहां के लोगों को यहाँ आना पड़ता है, और भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो गाँव के लोग शहर में आए, जब तक तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कॉम्युनिकेबल डिसीज पे आज कंट्रोल अब तक नहीं हुआ है, जैसे कि हम बोलेंगे HIV/AIDS या SARS, ये आप लिख सकते हैं डेफिशिएंसी में, मतलब कि लिमिटेशन एक तरह से, इस पे कंट्रोल अभी होना बाकी है। पुअर मैनेजमेंट है, जितने डॉक्टर्स, जितने बेड्स, जितने हॉस्पिटल, जितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, इसे बोलेंगे पुअर मैनेजमेंट। हम गाँव की बात करें तो गाँव में क्लिनिक्स का नंबर भी कम है, हॉस्पिटल का नंबर भी कम है, तो ये पुअर मैनेजमेंट ही तो है, वहां पे खुलने चाहिए ना। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होने की वजह से हेल्थ सेक्टर एक्सपेंसिव हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इलाज नहीं करवा पाते, आउट ऑफ बजट हो जाता है, ये भी एक चैलेंजिंग
प्रपोजिशन हम बोल सकते हैं कि है, और हॉस्पिटल देखें तो उनके मेंटेनेंस जो है वो पुअर है। हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जहां पे अभी भी हम देखते हैं कि मेंटेनेंस तो दिखती नहीं है। प्राइवेट से कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस होता है, ये भी एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है। उसके अलावा सैनिटेशन लेवल की बात करें, साफ सफाई की बात करें तो वो बहुत कम है। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आधी बीमारियां गंदगी से आती, पॉल्यूशन से आती, तो सैनिटेशन लेवल प्रॉपर होना चाहिए बेटा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि आज भी हम देखते हैं कि 30% ऑफ हाउसेज में, अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, तो सैनिटेशन प्रॉपर कैसे होगी। तो इन सबको देखने की जरूरत है, सरकार को देखना चाहिए और इसे डेवलप करना चाहिए बेटा। तो इंडिया में जो मेडिसिन सिस्टम है, हमने पढ़ा था ना आयुष, AYUSH, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, तो उसके अलावा होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, ये सारे सिस्टम मेडिसिन सिस्टम है जिनका ओरिजिन इंडिया में हुआ है। जब बाहर भी अगर ओरिजिन हुआ है, इंडिया में एसिमिलेट हो गए हैं, उन्हें आयुष के अंदर डाला गया है, तो इनको याद रखें आप। उसके अलावा बेटा कि अगर हम एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि इंडिया में क्या हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अनइक्वली डिवाइडेड है। हमने पढ़ लिया सर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है। क्या रिच पुअर में भी डिवाइड है, मतलब रिच जो है उनको फैसिलिटी मिल जाती है लेकिन पुअर को नहीं मिल पाती, अर्बन वालों को मिल जाती है, रूरल वालों को नहीं मिल पाती। सर ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली बायस्ड, पार्शियलिटी है सर, जहां हॉस्पिटल का नंबर ज्यादा होना चाहिए वहां कम है, जहां कम वहां ज्यादा है। रिच लोग अफोर्ड कर पाते हैं, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना एक्सपेंसिव हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखें। हेल्थ इंफ्रा इज सिग्निफिकेंटली बायस्ड इन फेवर ऑफ रिच एंड इन फेवर ऑफ अर्बन एरिया। 70% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, 80% ऑफ हॉस्पिटल अर्बन में। ये क्या मतलब, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर इज जस्ट 25% एंड एक्सेस टू स्पेशलाइज मेडिकल केयर इज जस्ट इज इनसिग्निफिकेंट, इट्स नॉट लिस्टलेस। तो ये चीज ठीक करने की जरूरत है बेटा। अगर आपसे पूछते हैं मेडिकल टूरिज्म क्या है, तो आप बोलोगे जब दूसरी कंट्री के लोग अपने लोकल एरिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हैं, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में अगर बाहर की कंट्री के लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ है वो हम बोलेंगे कि सस्ती है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज, तो वो लोग आएंगे पैसे बचाने, उनको कॉस्ट एडवांटेज के लिए यहाँ पर आते हैं। जो इलाज वहाँ 10 लाख का है, अगर वहाँ यहाँ पे 1-2 लाख रुपए में हो जाता है तो क्या दिक्कत है, तो वो लोग यहाँ आएंगे। तो बाहर के कंट्री के लोगों का अपनी कंट्री में आना इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो फॉर डिसीज कंट्रोल या कोई कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं मेडिकल, ये तो सब बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। या फिर हम बोलते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के अलावा एक नाम और मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल ट्रेवल या हेल्थ टूरिज्म इसको आप बोल सकते हैं, इसे ध्यान रखें। तो इंडिया में ये चीज ज्यादा है क्योंकि इंडिया में सस्ता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। उसके अलावा व्हाट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, मेरी बात सुनना ध्यान से। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज एक ऐसा इंडिकेटर है, ऐसा टूल है जिसको यूज किया जाता है ये मेजर करने के लिए कि आपकी कंट्री में प्री मेच्योर डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज कितनी हुई है। प्री मेच्योर डेथ क्या होता है, एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने पढ़ी है ना, 60-70 साल तो एटलीस्ट है ही, तो उससे पहले अगर डेथ हो जाए तो क्यों हो गई, ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज अगर हो गई तो वो नंबर ऑफ प्री मेच्योर डेथ कितनी हुई है उसको एसेस करने के लिए, और जो डिसीज से डेथ हुई उस डिसीज की ड्यूरेशन क्या थी जिससे वो इंसान सफर करता उसको एसेस करने यूज करते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है आपका, रिविजन इसकी हो गई है। अब जो इसके क्वेश्चन है सर, तो आपकी बुक में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वॉट्स है, उन सबको अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, देखोगे, कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना, फिर आप आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे दैट्स इट। अब मैं इसके बाद शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 9, एनवायरमेंट की रिवीजन, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है ये भी, और ज्यादा बड़ा चैप्टर ये भी नहीं है, और एनवायरमेंट तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनवायरमेंट क्या होता है, अब क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं एनवायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स ऑल अराउंड अस व्हिच इंक्लूड्स बायोटिक
एंड एबायोटिक एलिमेंट्स विच आर असेंशियल फॉर आर लाइफ। ये हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं है। हमारा और एनवायरमेंट के एलिमेंट्स का कुछ रिलेशनशिप है, इसलिए हम अफेक्ट होते हैं। एनवायरमेंट अफेक्ट होगा, आपकी लाइफ अफेक्ट होगी। तो एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, एनवायरमेंट शुड बी नॉन पॉल्यूटेड। उसके बाद एनवायरमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है दोस्तों, एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन द वाटर, एयर, लैंड एंड द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस में सबसे पहली इंपॉर्टेंस है बेटा कि एनवायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन आपको रिसोर्सेज देगा जिसे आप एज इनपुट यूज करते हैं। बेटा प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट है, आपको लैंड भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए, आपको सॉइल भी चाहिए। एग्रीकल्चर की मैं अगर बात करूं तो आपको सारे एलिमेंट्स चाहिए, लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट। तो प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज जो है आपको कहां से मिल रहे हैं, हम बोलेंगे एनवायरमेंट से। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो एनवायरमेंट ऑफर अस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। उसके अलावा रिसोर्सेज जो है बेटा वो दो तरीके के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स दोबारा बन जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल दोबारा नहीं बनेंगे। तो उनका यूज हमें एफिशिएंटली करना है, तरीके से करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, वेस्ट ना हो जाए, जल्दी से खत्म ना हो जाए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी अभी है, उनके लिए भी रिसोर्स आपको बचाने हैं बेटा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट की है, एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरमेंट है तो हमारी लाइफ है, एनवायरमेंट नहीं है तो एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि एनवायरमेंट इंक्लूड्स असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ जैसे कि एयर, वाटर। तो आपको जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतना पानी भी जरूरी है ना। तो एनवायरमेंट से आपकी लाइफ चलती है। एनवायरमेंट की तीसरी इंपॉर्टेंस है, एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरमेंट अपने अंदर वेस्टेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। एनवायरमेंट के अंदर अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है जो खत्म नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन से होती है खत्म, तो पॉल्यूशन नहीं करना है। एनवायरमेंट की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो नेचर है, जो नेचर की ब्यूटी है, उसको हम एंजॉय करते हैं तो उसी से हमारी लाइफ क्वालिटी एनहांस होती है। एनवायरमेंट की प्रॉब्लम की बात करूं तो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम में दो मेन प्रॉब्लम है, एक तो पॉल्यूशन की, दूसरा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। पॉल्यूशन हमने पढ़े तीन तरह के, एयर, वाटर, नॉइस। पॉल्यूशन होता क्या है? ऐसी एक्टिविटीज जिससे जो एयर है, वाटर है, वो पॉल्यूट हो जाए। तो इंडस्ट्रीज से ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, नॉइस पॉल्यूशन को। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है रिसोर्स। तो पॉल्यूशन मीन्स, पॉल्यूशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं बेटा, कंजम्पशन से भी पॉल्यूशन होता है, which challenge purity of air and water. उसके बाद air pollution, water pollution और noise pollution, तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात पढ़ते हैं air pollution. Air pollution क्या है? Air carries oxygen, which is essential element of life. Pollution of air means pollution of essential element of life. Accordingly, quality of life is impaired. What causes air pollution? तो हम बोलेंगे कि air pollution जो है वो किससे होता है, पॉल्यूटेंट्स इन द एयर जो है वो कैसे आते हैं। हम बोलेंगे बेटा सबसे पहला रीजन स्मोक। कौन सा स्मोक? स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोल एज एन एनर्जी। जो कोल से स्मोक निकलता है वो बहुत पॉइजनस होता है। उसके अलावा कुछ और पॉइजनस गैसेस हैं जो प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज से निकलती हैं। उसके अलावा मोटर व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो भी एयर पॉल्यूट कर देता है और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम्स? तो एयर पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंस जो है वहां लिखा है कि हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, यानी कि सांस लेने की बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा हम बोलते हैं कि हमें एयर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए बाय नॉट स्मोकिंग एंड बाय नॉट वायलेटिंग द एनवायरमेंट नॉर्म्स। उसके बाद What is water pollution? तो water भी उतना ही जरूरी है जितनी air जरूरी है। तो air pollute भी ना करें और water pollute भी ना करें।
बहुत सारे स्टेट में आज पीने लायक पानी नहीं बचा है, जो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। और एयर सॉरी वाटर के पॉल्यूट होने से आपको जो डिसीज हो सकती है वो है डायरिया एंड हेपेटाइटिस। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है दोस्त? डोमेस्टिक सीवरेज या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके अलावा एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड थर्मल पावर हाउसेस। सबसे पहली बात डोमेस्टिक सीवरेज समझते हैं आप। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं तो उनके जो वेस्टेज वाला जो पानी है वो कहां चला जाएगा? रिवर्स में चला जाएगा और वही वाला पानी आपके घरों में आएगा। एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर में आप केमिकल्स डालते हैं वो मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर, फिर पानी कहां जाता है? ऑब्वियस रिवर्स में जाएगा, वही पानी हमारे घरों में आ सकता है। थर्मल पावर हाउसेज जहां एनर्जी बनती है कोल से, तो कोल की जो एशेज होती है वो पानी में मिल जाती है और उससे भी पॉल्यूशन होता है वाटर का बेटा। नॉइस पॉल्यूशन सब जानते हैं कैसे होता है। नॉइस पॉल्यूशन अप्लायंसेस से, इंडस्ट्रीज की मशीन से, या हम बोलते हैं बड़े बड़े जो हॉर्न्स लगे हैं व्हीकल्स के अंदर, उनसे नॉइस पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा बेटा एक सेपरेट टॉपिक आपके पास आता है, व्हाट इज डीफॉरेस्टेशन एंड डीग्रेडेशन ऑफ लैंड। सबसे पहला डीफॉरेस्टेशन क्या होता है दोस्तों? डीफॉरेस्टेशन मींस कि पेड़ों को काटना। अफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ों को लगाना। डीफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उनको जगह भी चाहिए, तो पेड़ों को काटा जाएगा। तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो बेटा, जो इंडस्ट्रीज हैं तो आपके लिए बून भी है क्योंकि आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स देती हैं प्रोडक्शन करके, लेकिन बेन भी है। बेन कैसे है? क्योंकि अगर वो डिफॉरेस्टेशन करे तो बेन है। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या क्यों होता है? ट्रीज आर फेल्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द industries. Industrialization leads to urbanization and urbanization induce deforestation. देखो बेटा, industries बढ़ेंगी तो urbanization होगी, urbanization होगी तो उससे क्या होगा? Degradation, sorry, deforestation of land. तो कैसे होता है? अगर industries बढ़ती हैं, जहां industries खुलेंगी मतलब वहां urban areas develop होंगे, क्योंकि industries जहां खुलती है ना वहां पर ही लोग set होना चाहते हैं, वहां पर ही township develop करना चाहते हैं, और जब टाउनशिप डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे वहां पे क्या हो रही है? डीफॉरेस्टेशन। क्योंकि टाउनशिप डेवलप करने जंगल को तो काटना पड़ेगा ना, पेड़ों को तो हटाना पड़ेगा। तो डीफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन अपार्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाय द हाउसहोल्ड्स, जो पुअर लोग हैं, पुअर फैमिलीज हैं, वो लोग वुड को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। उसके अलावा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जैसे कि बाकड़ा डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो था, उससे भी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अब अगर हम बात करें डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की, उसका मतलब क्या है बेटा? एक तो होता है डिफॉरेस्टेशन, पढ़ लिया हमने, क्या होता है? पेड़ों को काटना, सिंपल। डिग्रेडेशन क्या होता है? कि लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होगा? जब लैंड की फर्टिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी, उसे बोलेंगे लैंड का डिग्रेडेशन। अब फर्टिलिटी इफेक्ट कैसे होती है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मींस लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड व्हिच अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स। व्हेन वी टॉक ऑफ सॉइल इरोजन वी आर रेफरिंग टू लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें फर्टिलिटी होती है, न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर होते हैं, व्हिच कंटेन्स मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो अल्कालिनिटी एंड सेरेनिटी ऑफ सॉइल जो है दूसरी प्रॉब्लम है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की, जो होती है वाटर लॉगिंग से, पानी के इकट्ठा होने से। तो एक्सेस वाटर लॉग्ड ऑन टॉप सॉइल इट लीड्स टू सक अप द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन के कुछ रीजंस और भी हमारे पास है। प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, सबसे पहला लॉस ऑफ वेजिटेशन। ये कैसे होता है बेटा? ड्यू टू एक्सेसिव ग्रेजिंग। ग्रेजिंग समझते हैं ना, कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो लोग करते हैं उनको चारा वारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं लैंड से, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग। अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, वो एरिया सूखा पड़ जाता है, उसे बोलते हैं एरिड एरियाज, तो उससे भी बोलेंगे हम डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। उसके अलावा मल्टीपल क्रोपिंग। देखो बेटा, मल्टी क्रोपिंग करनी चाहिए। आज फार्मर करते हैं मल्टी क्रोपिंग, लेकिन मल्टीपल क्रोपिंग का भी एक टेक्निक होता है, उसको हम उस टेक्निक के हिसाब से, उस मेथड के हिसाब से नहीं करते ना, गलत तरीके से करते हैं, तो भी लैंड का डिग्रेडेशन हो सकता है। उसके बाद
एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स। ये आप अच्छे से समझते हैं, जितना ज्यादा केमिकल आप लैंड में डालेंगे उतनी सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म होगी। आज तो आउटपुट आ जाएगी लेकिन कल नुकसान होगा। उसके अलावा ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे जो पानी होता है उसका लेवल कम हो जाना, उससे भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है दोस्तों। उसके अलावा सॉइल इरोजन हम पढ़ चुके हैं। तो इन इंडिया बोलता है नियरली 50% ऑफ टोटल लैंडेड एरिया इज एक्सपोज टू डिग्रेडेशन। ये बहुत सीरियस एक तरह का इशू है। तो हम अब पढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। अभी हमने पढ़ा लैंड का डिग्रेडेशन, अब पढ़ेंगे ओवरऑल एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेड कैसे होता है दोस्तों? सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा बर्डन होगी एनवायरमेंट के ऊपर, उतनी ज्यादा बर्डन होगी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, जिससे लैंड का सॉरी एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, टाउनशिप डेवलप हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे एनवायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा। उसके बाद जितनी ज्यादा जिस कंट्री में पॉवर्टी उतना ज्यादा एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, टाउनशिप डेवलप होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, रिसोर्स का एक्सेसिव यूज होता है, उससे भी एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर से भी एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। आज आउटपुट आ जाती है दोस्तों, लेकिन कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो वो पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने से भी एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन करेंगी एयर और वाटर। उसके अलावा बेटा मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिनसे धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है जो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देती है, और अगर हम एनवायरमेंट के नॉर्म्स का डिसरिगार्ड करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते रूल रेगुलेशन को, तो उससे भी एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। तो एक चीज यहां पर है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, जिसपे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब तक मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताया जो एग्जाम में आने के चांस हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल क्राइसिस इज वेरी हाई। एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल टूडे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपने बहुत बार पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। आज हमारे लिए बेस्ट क्या है? आज हम चाहते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोडक्शन ज्यादा हो, इनकम जनरेट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, लेकिन उसके लिए हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं पता है? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, और उसका जो खर्चा फ्यूचर में होगा वो आपके आज के बेनिफिट से कई ज्यादा होगा। जब को नुकसान देगा तब पता चलेगा कि एनवायरमेंट पॉल्यूट क्यों। ये टॉपिक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई। इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ड्यू टू डिक्लाइन इन एयर वाटर क्वालिटी शोज दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट आर हाई। इवन कल क्या आज भी इतना खर्चा करना पड़ता है हेल्थ पे कि हम आज देखते हैं कि इतना एनवायरमेंट पॉल्यूट हो गया कि आज डिसीज लग गई। तो एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होना चाहिए था, खर्चा बहुत ज्यादा आता है बाद में, तो आज भी हम उसको रोक सकते हैं ताकि कल और खर्चा जनरेशन पे ना आए। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने से और एनवायरमेंट के पॉल्यूट होने से जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके रीजंस और भी हैं, बहुत सारी गैसेस, रेफ्रिजरेटर्स का जो गैस होता है, या हम बोलेंगे कि एयर कंडीशनर का जो गैस होता है, और जो गाड़ियों में एसी चलता है उससे भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो वो चीजें आपकी एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, और उससे फिर आइस मेल्ट और फिर सी लेवल का बढ़ जाना और नेचुरल क्लाइमेटीज के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग द सिचुएशन रेफरिंग टू ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन ओइंग टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। द अर्थ सर्फेस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वार्मर
showing a rise of 0.6 degrees Celsius during the past century, warming temperature is accelerating the melt of polar ice, in turn implies rise in sea level, consequently ecological balance jo impaired hota hai aur zyada chances badh jate hain natural calamities ke, so ultimately it implies a threat to human life. So poor countries are to be the first and worst sufferers hone wali hai. Then what is ozone depletion? जो आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो यूवी रेज, सनलाइट से, सन से जो यूवी रेज आती हैं, जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती हैं, उनसे जो प्रोटेक्ट करती है लेयर, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर का थिन होना, ओजोन लेयर का पतला हो जाना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल इसे हम बोलते हैं. तो दिस रेफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन, जो प्रोटेक्टिव लेयर एटमॉस्फेयर में, दिस अकरिंग ओइंग टू एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सटेंस इन द एयर, conditioners and refrigerators. As ozone depletes, there is greater ultraviolet UV radiations jo hai wo earth pe pahunchti hai, jo aapki life ko, animal life ko, sea life ko aur trees ko even hum bolte hain ki affect karti hai. So in the recent past nearly 5% of ozone depletion jo dekhne ko mila aur ye global concern hai. Uske baad स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया की बात करें, मतलब कि इंडिया में कितना पॉल्यूशन है, अंदाजा लगाते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 135-140 करोड़ के बीच में है, और इतने सारी पॉपुलेशन के बाद आप सोच लो कि आपके एनवायरमेंट पे कितनी बर्डन होगी, नेचुरल रिसोर्सेज पे कितनी बर्डन होगी, एनवायरमेंट कितना पॉल्यूट होगा. आपकी कंट्री की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की लगभग 17-18% पॉपुलेशन को कवर कर देती, एरिया को कवर कर देती. तो इतने लोग जब होते हैं तो रिसोर्सेस पे बर्डन तो पड़ता ही है, जिससे एनवायरमेंट बहुत पॉल्यूट होता है. आपकी कंट्री में लगभग 22% लोग बीपीएल है, जिससे और पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उसको कैसे बचाया जाए, हाउ टू सेव एनवायरमेंट. सबसे पहला बेटा सोशल अवेयरनेस, लोगों को पता तो चले कि एनवायरमेंट पॉल्यूट कितना हो चुका है और इससे क्या हो सकता है, क्या डेंजर है, आगे क्या होने वाला है. उसके अलावा हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कैंपेन्स, कुछ पॉलिसी बनाएं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रीजन है. उसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो पास हो गया 86 में, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू चेक डिटेरियरेशन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, दिस लेजिस्लेटिव मेजर शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स, ऐसा कहा जा रहा है. डीफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, उसके लिए अफॉरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किए जाए. उसके अलावा कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन करती है वेस्टेज से, स्मोक से, या फिर एग्रीकल्चर पॉल्यूशन जो होता है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर से, उस पर कंट्रोल किया जाए, उससे भी फायदा मिल सकता है. वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाए, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट किया जाए, कंपोस्ट बनाया जाए, उससे कुछ और बनाया जाए, और हाउसिंग को डेवलप इंप्रूव किया जाए, क्योंकि स्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है. अब अगर हम बात करें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इंडिया में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप हुआ था 1974 में, और बाकी स्टेट्स में भी इस तरह के बोर्ड सेटअप, जिनका काम था एनवायरमेंट को देखना कि पॉल्यूशन कितना, और बेंचमार्क सेट करना कि इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए वरना पेनल्टी लग सकती. तो ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको स्ट्रिक्टली लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स बनाने चाहिए और फॉलो भी कराना चाहिए. जो लोग नहीं फॉलो करते हैं उससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. अब एक जीके वाली चीज है, जनरल नॉलेज है, कि आपिको मूवमेंट एंड चिपको मूवमेंट. इन अर्ली 1970s इन उत्तराखंड चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसका काम था, जिसका जो एम था वो ये था कि पेड़ों को ना काटें. लोगों ने हक करा था ट्रीज को कि पेड़ों को नहीं काटोगे, पेड़ काटोगे तो पहले हम काटेंगे. ऐसे प्रोग्राम्स आज नहीं होते हैं, तो जब होते थे तो ये चीज आपको बताई हुई है. उसके अलावा इन कर्नाटक का सेम मूवमेंट वहां भी हुआ, जिसका नाम रखा गया आपिको मूवमेंट, विच मीन्स टू हक. ऑन 8 सितंबर 1963 द ट्रीज फेलिंग, तो उस केस में ये चीज शुरू हुई थी. उसके अलावा हम देखते हैं कि दीज पीपल left the trees only when they were assured by the forest official that the trees will be cut scientifically and in accordance with the working plan of the district. So, 12,000 trees ko us time bachaye. Uske baad
अब एक टॉपिक है आपके पास जिसके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं बेटा, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आज डेवलपमेंट करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचनी चाहिए, उनको भी राइट है रिसोर्सेज यूज करने का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ at least as high which is being enjoyed by current generation. The basic aim of this development is to ensure that ki present generation jo hai wo kuch chhodengi unke liye, unki life quality bhi improve ho, hamari improve ho rahi hai, unki bhi honi chahiye. So environmentalists have used the term sustainability as an attempt to clarify that desired balance hona chahiye between economic growth on one hand and the environment preservation on the other hand. Ab aaj development karo koi mana nahi kar raha, koi rok nahi raha, लेकिन एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्टेड रखो, रिसोर्सेस को बचाओ, उनको निगलेक्शन से यूज मत करो, उनको एक्सेसिव यूज मत करो, ऐसा कहा जाता है। तो आज भी डेवलपमेंट हो और कल के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस बच जाए, ऐसा हम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या कर सकते हैं बेटा? तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है हम यूज करें इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, जितनी कम इनपुट लगेंगी उतना अच्छा, कल के लिए बचेंगे। हम एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स यूज करें, जैसे कि पेट्रोल डीजल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स अगर हम बोलते हैं उसको, तो उनका यूज ना करके सीएनजी यूज कर सकते हैं, एलपीजी यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज शुड बी डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, उनको भी अवेयर किया जाए कि वो ये यूज ना करें, इससे पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाए, जिससे वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। बेटा गांव के लोग जो है शहर में आते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए, ताकि उनको अच्छे पैसे मिल जाए, तो उनके यहाँ आने से फिर उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, लो लेवल वाला काम मिलता है, वो और यहाँ पोर हो जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और बढ़ जाता है अर्बन एरियाज के अंदर। इससे बढ़िया क्या है कि वहां पर उनको जॉब मिलता है, उसके लिए प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है। हम सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस करें, सनलाइट से एनर्जी जो बनती है उसे यूज करें, ताकि उससे पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि कोल से तो बहुत पॉल्यूशन होता है, जो थर्मल एनर्जी है, तो वो ना यूज करके हम सोलर का यूज कर सकते हैं। और हम केमिकल वाली फार्मिंग ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जहां पे केमिकल का यूज बहुत कम है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका यूज कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और वेस्टेज को मैनेज करें, ताकि पॉल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो। उसके अलावा अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाएं जिससे लोगों को पता चले कि नेचुरल रिसोर्स हमारी एसेट होते हैं, उनको बचाना है और कल के लिए भी वो बच जाएं, ऐसा हमें करना है, ताकि कल की जनरेशन भी इंजॉय कर सके जो हम आज इंजॉय करते हैं। और हम प्राइवेट व्हीकल्स यूज ना करके पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें, जैसे मेट्रो, उससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है बेटा। तो ये सारी स्ट्रेटजीज अगर हम शुरू करेंगे, इनको अपनाएंगे, तो पॉल्यूशन कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो इसके लिए इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स यहां पे हैं, वो क्या है कि आज अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो तो आज की इनकम तो बढ़ेगी और कल के लिए भी रिसोर्सेस बच जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलती है कि आप रिसोर्सेस का यूज करो, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन रैशनल यूज करो, ऐसा बोलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी आज की नीड्स को पूरा करने की, समझ रहे हो? आप अगर आज मान लो कि पानी को बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हो, तो कल के लिए नहीं बचेगा। आप फॉसिल फ्यूल्स हैं या ऑयल है उसको बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो कल के लिए नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखो, ताकि कल की जनरेशन भी सांस ले पाए, उनके लिए भी अच्छी क्वालिटी की एयर छोड़ो, इतना पॉल्यूशन ना करो कि कल की जनरेशन को दिक्कत हो। ये चीजें बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से करो, एग्जाम में आने के चांसेस उसमें है। उसके बाद यहां जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अच्छे से करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हॉट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। हर चैप्टर में आपको मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन करो, क्योंकि एग्जाम में ही से क्वेश्चन। ओके, तो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे अच्छे से, आज घर पे पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे, बिना सेल्फ स्टडी किए एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे बेटा। इतना ही करेंगे आज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।